सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी वर्कबुक पढ़ाते हैं। कक्षा UKG में आपका स्वागत है और ये है आपकी हिंदी वर्क दिख रहा है, जिनका नाम है शब्द आरेख। ये स्वर आरेख है और LKG में है शब्द आरेख। ठीक है, ये हम UKG में आपको पढ़ा रहे हैं तो ये UKG में है स्वर आरेख। ठीक, अब देखिए हम निकालेंगे आपको पेज नंबर 13 तक हम पढ़ा चुके, सॉरी 14 तक। आज हमारा होगा पृष्ठ संख्या 15। यहाँ हम लिखें पृष्ठ संख्या 15, आपको दिख रहा है। अब हम कुछ चित्र बनाए हैं छोटा छोटा सा उदाहरण के तौर पे, जिसको देख के उसका नाम लिखना। हम किस प्रकार से लिखेंगे आप ध्यान देंगे, उसी प्रकार से आप भी अपने वर्क बुक में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले CW लिखेंगे, फिर उस साइड में हम डेट देंगे, दोनों साइड लाइन देंगे। और आपके किताब में भी इस प्रकार का लाइन दिया हुआ है, देखिए जो पंक्ति है ना उसी प्रकार की पंक्ति में हम यहाँ लिख के बता रहे हैं। तो हमारा है टब 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 टब, जग जग, नल नल, रस रस, रथ रथ। अब पूरी लाइन में आप अपने किताब में इस प्रकार से ही देख देख के भरेंगे, किस प्रकार से हम दोनों पंक्तियों को छूते हुए सुंदर अक्षरों में लिखे हैं, और आप हिज्जे के साथ उच्चारण भी करेंगे। तब जग नल रस रक्त, ठीक है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे शिरो रेखा भी देंगे, शिरो रेखा देना ना भूलेंगे ऊपर में, इसको हम लोग शिरो रेखा कहते हैं। तब जग नल रस रथ, इस प्रकार से इसका शिरो रेखा है जो कि देना ना भूलेंगे उसी प्रकार से। तब जग नल रस एन और रथ, फिर से तब जग नल रस रथ रथ, आपको दिख रहा होगा हम किस प्रकार से लिख रहा है। फिर उसी प्रकार से इस पंक्ति में भी हम नल रस लिखे ना, इसी प्रकार से लिखिए। फिर नेक्स्ट पेज में हम मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, और सुंदर अक्षरों में लिखेगा। धन्यवाद।